दस तक गिनूंगा। राम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या दिखते हैं, मन में जो पहला विचार है उसे बांध के रखे। पूछूं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ नौ, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझना। कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला की खातिर तुम इतना ना कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। अरे बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तो तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत। सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो बतला ही देता हूँ। अरे तुम्ही ने तो नाम दिया था कि मैं पागल कहलाता, नया नया हूँ यहाँ, न पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा। भाई बात वहां तक फैल गई है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है, वहां कुछ तो मंगल होने के, यानी कि तुम सब में राम का अंश छुपा है, नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। तो सच है या फिर गलत खबर, अगर सच ही है तो क्या कहूं, तो सबको राम पता ही होगा, लड़के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ, तो बताओ फिर कि क्या है, बताओ, अरे बताओ फिर कि क्या है राम। यहाँ धनुष तरकस में वान या बन में जिसने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, अरे फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए। अरे बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, प्रभु को छोड़कर मिला हूँ सबसे। बात कहूं अगर बुरा ना मानो, तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाओ, पूरी बात तो सुनते ही नहीं सीधे घर पे आ जाते। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी, अरे दायां बायां ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को मगर तुम अपनी जहन में डालो तुम, निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई मेरे राम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा। भारत भूखा कभी हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ, भारत भूख की नींव है कविताएं और साहित्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच सहज कर राम कहो तुम, ये बस आर्टिस्ट का नाता नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा। राम कृष्ण की महिमा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए, अरे प्रसन्न हंसना भी है राम, पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है राम, सब कुछ पाकर खोना भी है राम। अरे ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, अरे शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे, कैसे राम समझा पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, और भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए।
अरे भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित रूप से मंदिर जाना होगा, परंतु सबसे पहले अपने भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना, मेरे प्रभु आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना, वो द्वापर में कोई राह तकी है, मुझे उनको लेने जाना है, तो चलिए फिर चलते हैं, हमें भी आगे जाना। जय श्री राम।